इसमें देखो इन्होंने थीम क्या बनाई है इसके ऊपर भाई। एक तरफ तो ये अपना देखो भी कुछ डला हुआ है इसके अंदर, ये पूछेंगे भाई तो क्या चीज़ है, और एक तरफ जमींदार को सुसाइड के और फांसी वाले जो कि जमींदारों को जैसे मारा जा रहा है, जो कि इनडायरेक्ट वे में कंपनियों द्वारा भाई। ये चीज़ें जैसे हम देखा भाई, कोई भी जमींदार भाई इसका ट्रोल ले तो ये चीज़ एक बार ध्यान तक देख कर सोच समझ के ले इसके क्या नुकसान है। ये नहीं हुआ हम जैसे कि कोई काट नहीं करना चाह रहे भाई, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेने से पहले ये चीज़ कंपनी इन्फॉर्म करना चाहिए और जमींदार को बताना भी चाहिए। राम राम सारे भाइयों ने, स्वागत है थारा एक और नई वीडियो में भाई। ये वीडियो है या एक बहुत गंभीर विषय पर वीडियो है या एक अच्छा बुलाऊंगे तो आपा ट्रैक्टर में अपने में आयरन और बोलिया कंपनी ने वो माटी है कुल मिला वह पाई गई है भाई। मारा उद्देश्य भाई कोई नेगेटिविटी फैलाने का नहीं है, मारा उद्देश्य सिर्फ किसान ने जागरूक करने का भाई। वीडियो ने इसने देखियो शेयर करियो, ज़्यादा ज़्यादा किसान भाइया द्वारा पोचर जागरूकता फैलाने का हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई उद्देश्य ना है को कह दे अब फेम ले हुए या कंपनी पे कोई दबाव या कुछ, हमने किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा चेंज हो गया था, अगर हमने इतना कुछ होता तो हम चुपचाप बैठ जाते। हमारा यो है भाई किसान भाइया और आगे लियो धोखा हो रहा सबका, मतलब जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है कि भाई तो भाई अपना सारे किसान भाई हमारा इस चीज़ में साथ दियो भाई। अरे भाई वीडियो ने जना अपना पूरी पूरी देखने की कोशिश करियो, सारा सौदा समझ में आ जाए। ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल में चेसिस में आयरन और कह माटी भर कर दे रखी भाई, देखियो वीडियो एक बार। हम आप जमींदार भाइयों के लिए जागरूकता वाली बात करेंगे भाई। किसान भाई कोई भी ट्रैक्टर अगर ऐसे ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो इसमें एक कंपनी द्वारा ना एक बड़ा बदलाव कराया गया, जो कि बताया नहीं गया जमींदारों के लिए, और आने वाले टाइम में भविष्य में इसका कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा भी हिसाब है जमींदारों के लिए, वो चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा। एक सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई ने क्या करा। ये आप देखो ना फ्रंट एक्सल चूल्हा और आगे जो वेट आता वो चीज़ें, और इसको ना कभी तो ये ट्रैक्टर के ऊपर रखा जा है, कभी अभी जैसे कुछ हालात में यहाँ चेंज कर दिया। इसमें देखो इन्होंने थीम क्या बनाई इसके ऊपर भाई। एक तरफ तो ये अपना देखो भी कुछ डला हुआ है इसके अंदर, ये पूछेंगे भाई तो क्या चीज़ है, और एक तरफ जमींदार को सुसाइड के और फांसी वाली जो कि जमींदारों को जैसे मारा जा रहा है, जो कि इनडायरेक्ट वे में कंपनियों द्वारा भाई। ये चीज़ें जैसे हम देखा भाई, कोई भी जमींदार भाई इसका ट्रोल ले तो ये चीज़ एक बार ध्यान तक देख कर सोच समझ के ले इसके क्या नुकसान है। ये नहीं हुआ हम जैसे कि कोई काट नहीं करना चाह रहे भाई, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेने से पहले ये चीज़ कंपनी ने इन्फॉर्म करना चाहिए और जमींदार को बताना भी चाहिए, और इसके हम आप लोगों को बताऊँगे भविष्य में चले क्या नुकसान है। तो रविंदर भाई हैं जो अपना ट्रैक्टर ले आए थे, इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी तो इसका सोल्यूशन भी बताया कुछ, तो चलो एक बार इनसे बात करके और पता लगाते हैं। रविंद्र भाई जी नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई साहब एक अपना न्यू बता दे एड्रेस बता, नाम पता है इंट्रो। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, लोटे गांव मित्रा हूँ, नई दिल्ली 11/0/43। तो ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है ये? यो भाई ट्रैक्टर 2023 मॉडल है, पांचवें महीने का। यो हमने अपने बेटे तक गिफ्ट दिया था, गिफ्ट देने के बाद अपने पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काट के हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की थी, उस पर एप्लीकेशन लग गया। कोई बात ना, हम भविष्य में आगे फिर देखेंगे। अब आप यो चीज के बना रखी, इसके बारे में समझाओ। हाँ, इसके बारे में आपने जैसे वीडियो में शुरुआत में दिखाया कि ये क्या चीज बना रखी है, बना नहीं रखी है भैया, किसान की गैल बन रही है, ये एक सच्चाई है भाई साहब, सच्चाई आपके सामने। ये देख लो प्रूफ ले यार, दो मैं क्या चीज है थोड़ा इसके बारे में। ये कंपनी जिसने आयरन ओर बोल दे है, आयरन ओर कच्चा लोहा, और इसने कंपनी ये है कंपनी की वेस्टेज जो ड्रिल मशीन एम्बर मशीन और खराद मशीन, देखो हाथ का देखो धूल, और देखो इसने जंग भी लगा रखा है। जंग लोहे के लिए कैंसर का काम करा है, जैसे इंसान की बॉडी में कैंसर वैसे जंग लोहे का कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल, जंग तो कैंसर है लोहे का। कंपनी ने लोहे की थिकनेस तो दी कम कर और इसमें ये मटेरियल भर दिया हमने जो आपके सामने रखा है, ये मात्र उतना ही रखा है जितना कि मेरी उंगली से निकल पाया है। अब आप पूछोगे निकला कहाँ से? हाँ। निकलने का रहस्य मैं अभी आपके सामने जो खोल रहा हूँ, इसका नाम जी डेड वेट, जो आपके ट्रैक्टर में वेट लगा हुआ। हाँ जी, ये है डेड वेट, ये इसी ट्रैक्टर का है। डेड माने मरा हुआ, वेट माने वजन। इस तक हम सीमित है, इसमें कंपनी ने भरा कोई बात नहीं है, किसान को इतना ज्यादा साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर डेड वेट कभी गड़ गया, टूट गया, फूट गया तो हम चार बोल्ट खोलेंगे, डेड वेट को निकाल देंगे, कोई और वेट दे लेंगे या बगैर वेट के भी चला लेंगे अगर किसान का ट्रैक्टर आगे से नहीं उठ रहा तो। उसके बाद में कंपनी ने जो किसानों के साथ धांधली कर रखी है मेरी नजरिए में, अब की है नहीं की है उसका जवाब तो हमारे किसान भी मांगे कंपनी से, और हम क्या पता
भविष्य में कंपनी से मैं ही दोबारा पूछ लूं। मेरे जी फ्रंट एक्सल में, ये फ्रंट एक्सल जी बोलते हैं जी, फ्रंट एक्सल कंपनी ने मेरे को दिया है, ये चूल्हा जिसे चेचिस बोलते हैं, ठीक ठीक ठीक, ये आइजर कंपनी की बैजिंग मैंने इसके ऊपर लगा रखी है, क्योंकि इस कंपनी ने ही मेरे साथ धोखा किया, बट मैं अपना लड़ झगड़ के मैं अपना लिया हूँ। पूरे हिंदुस्तान के किसानों से अपील है, अपना अधिकार ना छोड़े। अधिकार भाई यही है, 55 किलो वेट है ये जो आयरन और मिट्टी बोलते हैं, 55 किलो कंपनी को जो मैं गया उनके सूत्रों से मेरे को पता चला, 55 किलो माटी अगर नहीं भरेंगे तो हमारी कोस्ट में हमारा ट्रैक्टर बेचने का पड़ता नहीं खाएगा। अब कंपनी की कोस्ट का पड़ता नहीं खा रहा तो हमारा थोड़ा है ना उसमें खामियाजा भरेंगे। जमींदार के लिए घातक कैसे साबित होगा? जमींदार के लिए घातक जी इसलिए होगा, देखिए इसने 2023 मॉडल है, 5वें महीने का अब तक देखो इसने जंग खा चुका है। आप देख सको 5 महीने में ही अगर इसने जंग खा लिया, एक तरफ से पेंट है और एक तरफ से देखिए जंग है। ठीक ठीक ठीक, 5 महीने में ये हाल है। और इस ट्रैक्टर की लाइफ है जी 15 साल की, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के हिसाब से 15 साल की लाइफ है। अगर ये ट्रैक्टर रोड पर चल रहा है और अंदर से, क्योंकि बाहर से तो हमें दिखेगा क्लीन शीट, हम पेंट भी करा लेंगे, और अंदर से जंग ने इसको खोखला कर दिया है, जैसे एक बीड़ी पीने वाला सिगरेट पीने वाला अंदर से खोखला हो जाता है, ऐसे ही ये जंग ट्रैक्टर को अंदर से खोखला कर देगा। ट्रैक्टर बाय द वे रोड पर चल रहा है, ट्राली कोई एम्प्लीमेंट ऐसा जोड़ रखा है, ट्रैक्टर आगे से उठाया गिरा एकदम से उसका स्पैंडल भी तोड़ सकता है, फ्रंट एक्सल भी, चूल्हा भी डैमेज हो सकता है। पीछे से आने वाले वाहन के साथ क्या होगा अगर इसका फ्रंट एक्सल टूट के एक टायर भाग लेता है पीछे से बाइक आ रही है, कोई हादसा हो गया, कंपनी रिटर्न में देगी हमारे को लिख के हमारी गलती है, उस टाइम पर सब हाथ उठा देंगे जी। बिल्कुल हाँ, ऑफ रोड व्हीकल है कुछ भी हो उसको। तो मेरी समझ में आया है वो ये चीज आई है भाई, जैसे कंपनी ने क्या करा, डेड वेट, चलो ठीक है कंपनी ने भाई अपना कॉस्ट कटिंग लगा लिया, फिर जैसे भाई एक अच्छा स्मार्ट दिमाग लगा के एक अच्छा काम करने की कोशिश करी है, लेकिन जो जमींदार भाई है जैसे जो पैसे दे रहा है वो ठीक है, अपना कंपनी ने अपना वेट बैलेंस करने के लिए ट्रैक्टर का और बहुत सारी चीजों के लिए कंपनी ने ये सब कुछ काम कराया था, लेकिन जो इसका मेन साइड इफेक्ट वो है जंग लगना। और जी जैसे हमने तो नया ट्रैक्टर खरीदा इसमें 1 साल की वारंटी दे है कंपनी, और बड़े ट्रैक्टर में 3-4 साल की दे है, इसमें 1 साल की वारंटी है, चलो मेरा 1 साल निकल गया, मेरे 4 साल भी निकल गए, 4-5 साल बाद हमेशा आदमी सोचा भाई ट्रैक्टर काफी दिन चला है, इसने बेच दू, दूसरा इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर वगैरह खरीदता हूँ, बड़े यंत्र, बड़ा यंत्र खरीदने के लिए मैं इसको बेचूंगा। बिल्कुल, ये किसी छोटे जमींदार के पास में जाएगा जिसके पास में बजट भी कम होगा, और उसके घर जाते ही इस पर 2 दीवे भी लगेंगे घी के, अब भाई हमारे घर में कमाने खाने का एक रोजगार आया है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। और 20 दिन बाद अगर इसका फ्रंट एक्सल टूट गया तो वो ये नहीं कहेगा कि इस कंपनी ने धांधली कर रखी है, वो तो सीधा मेरी तरफ उंगली कराएगा, किसान तेरे घर से लेके गया था। बिल्कुल है, इसमें मिट्टी मिली है, उस दिन मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूं, कंपनी ने भर के दी होगी, और इसकी कोई आवाज उठाता नहीं। मैंने आवाज उठाई है जी पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जागरूक करने के लिए, मैं अपने घर से दिल्ली से 850 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा, अपना मंडीदीप मध्य प्रदेश MP का मंडीदीप में मैं इसकी कंपनी में गया, कंपनी के बाहर जाकर मैंने अपनी जो भी समस्या थी वो बताई, कंपनी में जाने के बाद मैं वहाँ पे मेरे को इस तरीके से हैंडल किया गया कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। चलो जो भी है कुल मिला के भाई आपको वेट एक्स्ट्रा मिल गया आपने। हाँ, मेन जो दूर भाई जो इसका देखो डेड वेट डालना कोई बुरी बात नहीं, डेड वेट डाल लो जी, जो एक्चुअल जो डेड वेट है ये तो जो डेड वेट ये जंग भी नहीं लगा, ये जंग नहीं लगाएगा जी, लेकिन जो इसके साथ में फ्री ऑफ गिफ्ट दे रखा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे रखा है, ये घातक है जी, घातक। इससे क्या होगा भाई, जैसे ठीक है एक तो थिकनेस भी कम होगी, हाँ जी, जो आगे जो प्लेट लग रही, जो इनकी जो वेट में जो प्लेट लग रही है जी जी, इसकी थिकनेस भी कम कर दी, जो भी ठीक है डेड वेट के साथ, क्योंकि वेट इसमें ऑलरेडी पहले बहुत हो गया जी जी। अब जैसे ट्रैक्टर में जंग लगना स्टार्ट होगा, जो एक्सल फ्रंट एक्सल जो फ्रंट एक्सल है जो चूल्हा है ये इस ट्रैक्टर की रीढ़ की हड्डी है, हाँ, कोई भी ट्रैक्टर है सबकी रीढ़ की हड्डी है, ये घुटने माने कलम जैसे आदमी घुटने उसके जी, बिल्कुल। तो इस ट्रैक्टर में क्या है जैसे धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होगा भाई, आने वाले 10 साल में 15 साल 10 साल का जैसे गवर्नमेंट भी कह रहे डीजल भी कल आप चला सकते हो जी, 15 साल जैसे गवर्नमेंट अपना लोकल कुछ स्टेटों 15 साल का है, तो ये जहां तक उम्मीद है जैसे अभी तो 6 महीने हुए ट्रैक्टर में, अभी जंग लग लिया अभी जंग लग गया, और जहां पर नमी है वहां तो बहुत जल्दी, वहां तो वैसे 2-2 साल में ट्रैक्टर डैमेज हो जाए, बिल्कुल। तो इससे जंग लगकर जो फ्रंट चूल्हा है फ्रंट एक्सल और आइसर तो वैसे भी आगे तो बहुत ज्यादा उठा है जी जी, तो गिरते सबसे पहले टूटेगा जी। इसमें जैसे जमींदार ने पैसे पूरे दिए, जमींदार की गलती है कहां की, कहीं पे भी जमींदार की तो कोई गलती नहीं, और लेकिन ट्रैक्टर टूट गया फिर बाद में दुखी फिरता रहो, और हादसा हो उस हादसे से पता नहीं जान माल का भी हो सके, इसीलिए जागरूक करने के लिए जी मैंने
कंपनी से जाके अपना अधिकार मांगा, कंपनी ने मेरे को मेरा अधिकार दिया, मैंने लिया इसको यहाँ रख दिया है क्योंकि इस पे मेरा एक तो चेसी नंबर नहीं खुल गया, आप देख पाओगे फ्रंट एक्सल का चेसी नंबर खुल जा रहा है। अच्छा, ये चेसिस नंबर है, चेसिस नंबर मेरा उस पे है नहीं, इसलिए मैंने अपना पुराना ही इसमें रख रखा है, वो नया मैंने रख लिया है। इन फ्यूचर मैं कभी ट्रैक्टर को बेचूंगा तो किसान को मैं ये दे सकता हूँ। भाई तू कल को कर गया दिक्कत आता अपना ये ध्यान रखी इस बात, ये ध्यान रखना भाई चूल्हा या ये टूट जाए तो ये डाल लेना और इसको मेरे को हटा देना। अब किसान बोलेगा जी मैं ये खर्चा क्यों करूं, भाई मैं भी तो किसी से लेके आया हूं, मैं तो तेरे को चीज क्या है भाई, ठीक है तो अच्छी आपकी तो अच्छी सोच अच्छी है, कंपनी ने अगर ये काम करना था तो इसको थोड़ा ना जमींदार को बताना चाहिए। हाँ, बता के देना चाहिए जी, जैसे आगे आने वाला ट्रैक्टर में टाइम में जैसे मैनुअल बुक में या कहीं स्पेशल कंपनी को क्वेश्चन लगाना चाहिए ट्रैक्टर के ऊपर, भाई इसका जो आगे फ्रंट एक्सल है एक बार आप इस चीज को चेक करवाओ, बिल्कुल बिल्कुल, दो साल में चार साल में इसको चेक करवाना चाहिए ताकि कहीं कोई जंग वगैरह की कोई परत में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। ठीक है भाई, चलो अगर कंपनी 100 पीस बना जाए 100 में से 10 पीस में ठीक भी निकल जाए लेकिन 10 पीस तो खराब हो गए जी, बिल्कुल, और 10 पीस में खराब होने के कारण क्या होया भाई, ट्रैक्टर का हादसा हो गया और हादसा होते ही क्या है, जान गई माल गया दोनों चीज गई। और मुझे आपने बताया ना जैसे पुराना ट्रैक्टर जमींदार खरीद के लेकर जाओगे बेचारा उसको तो पता है तो खुश होकर जाओगा, और ट्रैक्टर देखो ऑफ रोड व्हीकल आगे से उठना संभावित है तो बिल्कुल पक्का उठेगा उठेगा, बिल्कुल आगे से उठकर जब गिरा है वैसे नॉर्मल टूट जाए और जंग लगने के बाद क्या कमजोर हो जाएगा एक टाइम के बाद ही, और कमजोर होने से सबसे पहले तो आपकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी, जब एक्सल बैंड हो जाएगा तो लाइन बिगड़ेगी टायर खराब हो गए, तो इसमें जमींदार का मेंटेनेंस भी बढ़ गई और साथ में पैसा भी खर्चा हो गया और जमींदार का काम भी रुक गया और वो एक्सीडेंट में हादसे में पता नहीं किस लेवल तक पहुंच जाए। देखो जी यार, कंपनी ने सोचनी चाहिए अरे आने वाले भविष्य में हमारे जो किसान ट्रैक्टर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, माई सर एप्लीकेशन नहीं कर रहा, हर एक कंपनी पे कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात किसान को बतानी चाहिए कि हम यहाँ आया आयरन और बॉल पे मिट्टी भर रहे हैं, आपका जंग लग सकता है इसके अंदर, आयरन और के साथ साथ है ना जो मिक्सिंग हो रही है ना वह गलत है जी, बिल्कुल आयरन और भर लो कोई बात नहीं, वो तो जंग नहीं लगा होगा लेकिन जो मिक्सिंग उसके साथ है ना मिक्सिंग हो गया है, उस मिक्सिंग के कारण क्या है इसमें जंग आना, मॉइस्चर तो देखो बनेगा बनेगा जी, क्योंकि डीजल टैंक में हर जगह मॉइस्चर बनेगा, कोई चीज अगर डिब्बा बंद उसके अंदर जैसे मौसम के हिसाब से उसके अंदर मॉइस्चर बनेगा और मॉइस्चर बनेगा धीरे धीरे जंग करना स्टार्ट होगा। हम आज एक साल की दो साल की बात है, हम 10 साल की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर तो चलना है जमींदार के पास, और आईसर तो दुनिया भाई देखो इसका नाम है वाकई में आईसर ट्रैक्टर एकदम ब्रांड है, किसी में कोई दोहराई नहीं, और जैसे आप भी सोच के लेगा बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बचपन से अपने दादा पर दादा हम सुन रहे हैं भाई सर आई सर आई सर आई सर, तो ये चीज कंपनी ने ध्यान देना चाहिए इस चीज पर, जमींदार को बताना चाहिए, और जब डेड वेट डाल देना तो डेड वेट के साथ कोई डस्ट ना आ जाए। हाँ जी, इस चीज का मेन चीज है डस्ट ना आ जाए, डस्ट के कारण क्या ट्रैक्टर में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बिल्कुल, और उसमें क्या है जमींदार कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी 5-7 साल पाँच है पीछे, तो कंपनी में कहते पता नहीं उस टाइम पे क्या पॉलिसियां दी क्या रहा होगा, बनाने वाले जिसने दिया है ना जिन्हें प्रिंसिपल दिया वो तो अच्छा दिया है, लेकिन इसका ना जैसे कहते ना भाई ठीक है बनाने वाले चीज बनाई लेकिन उसके साइड इफेक्ट, ये एक इसका साइड इफेक्ट है जी, तो आप ट्रैक्टर लो तो डेड वेट वाला मत लो कोशिश करो, नहीं डेड वेट वाला लो जिसमें अलग से डेड वेट लगा हो, जिसके फ्रंट एक्सल में और जिसके चेसिस में चूल्हे में आयरन और ना भरी हो। हाँ, क्योंकि फ्रंट वेट जैसे आपने बताया उसमें फ्रंट वेट आके जो वेट आया है उसमें दे दो तो टूट के गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तो अगर फ्रंट एक्सल टूट गया या चूल्हा टूट गया तो ट्रैक्टर क्या इधर उधर भागेगा, बीच में से टूट जाएगा। हाँ, बीच में टूट जाएगा फिर ट्रैक्टर स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखो पहले खाली आते थे पहले भी अंदर से बहुत खाली है, जैसे वो भी खाली है खाली दिखाओगे, लेकिन उसमें आयरन और भरो, आयरन और के साथ में जो कूड़ा आ रहा है ना उस कूड़े से बचाव करो, बिल्कुल जी बिल्कुल, वहां पर जंग लगेगा, जंग लगने के कारण ट्रैक्टर टूट जाएगा, भाई कंपनी वालों की सलाह है भाई यही है भाई इस आयरन ओर को ठीक है आयरन ओर ही डालो, यानी कि जैसे वहां की अपने मिट्टी का लेंगे इसको तो जी बिल्कुल, जिससे लोहा बनाया जाए बाद में पिंगल आगे इसको केमिकल वगैरह जो भी है कि प्रोसेसिंग अपना लोहा बनाने की, तो ये चीज है भाई मैं भी यही कहूंगा भाई कम से कम कोशिश करो जंग ना लगे ट्रैक्टर में, और फ्रंट एक्सल ने छोड़ दो चूल्हे छोड़ दो क्योंकि यह सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी ट्रैक्टर, बिल्कुल जी हमारे पास तो प्रूफ रखा है साहब, नहीं जी फ्रंट एक्सल में टेप मार रखी है, हाँ, हाँ, नीचे तो हमने यहाँ तक काटा, जब काटने के बाद में कपड़ा ठोक कर यो टेप मार रखी है, यो तो हो गया फ्रंट एक्सल, यो हो गया चेसिस, इसमें भी हाँ जी ये हमने चार जगह ट्रैक्टर कटिंग करी है। अच्छा, ये आपने करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये करने की जरूरत ये बच्चे बोले कि इसमें मॉडिफाई कराएंगे, हाँ, मॉडिफाई कराए तो हम ये बम्पर लगाने की तैयारी करें, जब इसमें हमने ड्रिल करी ना होल करे, हाँ, 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 बम्पर ये वाला लगाने के लिए इसके साथ में एक और लगा हुआ था एंगल वो हटा दिया हमने, और जब ये छेद करने शुरू करे छेद करते करते जब हमने इसमें ड्रिल मारी तो ड्रिल के साथ साथ अंदर से
आयरन ओर और मिट्टी निकलने लगी, थोथलापन अंदर मिला। हाँ, जब उसमें हमने तार डाल के देखा तो उसमें लगातार जैसे किसी चीज में तो कट्टा फट जाए और कोई सामान निकला तो ऐसे निकला, तो हमारे को डाउट हुआ इसमें कुछ है। अब शक के आधार पे हमने उसको इसमें भी ड्रिल की, उसमें भी ड्रिल की, इसमें भी, जहाँ भी ड्रिल कर रहे हैं वहीं से वही चीज निकल रही है। ठीक, मैंने एजेंसी वालों को बोला है, एजेंसी वालों के पास कोई जवाब नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि उनको भी नहीं पता ये किसी, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, अगर किसी कंपनी में एक होता ना डेढ़ सियाणा आदमी, किसी डेढ़ सियाणे आदमी ने लोहे की मोटाई घटा दी और उसके अंदर किसी वेंडर ने किया है या खुद आयसर कंपनी कर रही है, इसका रहस्य तो उन्हीं को पता है। किसी वेंडर ने भी कर सकता हो कि वेंडर क्या जिस टाइम पर कंपनी ने खरीदा इसका 55 किलो वेट हो और जिस टाइम पर वो बेचना शुरू हो गया उसका माल खरीदना कंपनी ने शुरू कर दिया, उसने लोहे की थिकनेस घटा के वजन भी पूरा कर दिया और लोहे में भी खा लिया। कई बार ऐसा कुछ चीजें कंपनी को भी नहीं पता होती, वेंडर कई बार धांधलेबाजी कर दे, क्योंकि कंपनी को पता लगा तब फिर वेंडर को ठीक है कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दे। अब ये नहीं पता जी ये धांधलेबाजी कंपनी करवा रही थी या वेंडर कर रहा था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है वो बहुत गलत है, जंग है जी, जंग लगेगा और जंग लगने से हादसा होगा, हादसा होने के बाद फिर कुछ भी हो सके, किसान को धोखे में रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बता के बेचो तो चलेगा वेट। अब देखो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, ये तो मेन रीड की डिमांड, ये माने तो आदमी के घुटने पैर हैं तो बिल्कुल है, अगर अगले पैर अगर ट्रैक्टर अगले टायर काम नहीं करेंगे और जैसे बैंड हो, सबसे पहले तो जैसे जंग लगने के बाद क्या बैंड होगा, बैंड होगा जी, बैंड होते टायर की अलाइनमेंट गई, अलाइनमेंट बंदा करवाता है टायर खराब हो गए, उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आ जाए हो सकता है टूट भी जाए। हाँ जी बिल्कुल, टूट गए क्योंकि जो ठोस वेट क्या वो भी टूट जाए, कई बार ऐसे हादसे हो जाए वो भी टूट जाए कई बार, तो एक्चुअली में वैसा होता क्या है जब ट्रैक्टर पुराना हो जाता है ना और आगे से ऐसे ही कोई हादसा हो गया टूट जाता है तो हमारा ध्यान पूरा पूरा उस हादसे पे चला जाता है, इस चीज पे ध्यान नहीं रहता। हमने जो कैंसर अब से और जिस दिन ट्रैक्टर खरीदा उसी दिन हमारा कैंसर आ चुका था। बिल्कुल, अगर ये उस दिन से आयरन और नहीं भरा जाता, उसके साथ में डस्टिंग और मिट्टी नहीं रहती, ना ये ट्रैक्टर अंदर से गड़ता और ना ये हादसे की कागार पे आता। आयरन और तो अच्छी चीज है, प्योर आयरन और नहीं भरा जा रहा उसके अंदर, डस्ट डाल दिया उसके अंदर, डाल दिया उसके अंदर, वही वो घातक है, मॉन्स्टर पकड़ के और उसने मेरे ट्रैक्टर को अंदर से जंग लगा चुका है। ठीक, मैंने सैंपल ले जाकर मंडी दीप मध्य प्रदेश में जब आयसर कंपनी में दिखाए तो उन्होंने मेरे को सर्टिफाई किया, हाँ किसान आया है तो इसका जंग लगा, उन्होंने देखा तो मेरे को दोनों चीज अप्रूव की है, मैं ये वहीं से कंपनी से लेके आया हूँ जी। ठीक, और हरेक किसान भाई से अपील है अगर ट्रैक्टर खरीदो तो पहले उसकी कुछ प्राइवेसी का ध्यान रखें कि हम खरीद क्या रहे हैं, जब हम पैसे असली दे रहे हैं तो व्हीकल भी हम असली लेंगे। कितना किलो होगा डेड वेट लगभग इसमें जी, उनके जो सूत्रों से पता चला है वो तो अपने मन से नहीं बोलेंगे कि मैंने 55 किलो भरा है, पर लेकिन कभी चाय वाले ने बताया, कभी अंदर के किसी ने बताया, जो भी आपके इंटरनल ऐसे घूमते फिरते फिरते किसी ने बोला 40 किलो, एक ने बोला 42-45 किलो है, फाइनली जो एक बंदे ने मेरे को बताया जी 55 किलो है, कति लाठी ठोक के 55 किलो देते हैं, 55 किलो अगर नहीं डालेंगे तो ट्रैक्टर आगे से उठेगा, वेट बैलेंस बिगड़ जाएगा जी, वेट बैलेंस बिगड़ेगा और सेंटर ग्रेविटी में गड़बड़ा जाए फिर ट्रैक्टर और भी जल्दी आगे उठेगा, रास्ता होगा जल्दी उठेगा। चलो भाई यही चीज बताना चाह रहे थे भाई, डेड वेट ठीक है डेड वेट डालो, लेकिन उसके साथ जो डस्ट डल रहा है डस्ट के कारण क्या है, ट्रैक्टर में जंग लगा और हादसा होगा। हाँ जी, हादसे का कारण मैं ट्रैक्टर लेने से पहले इस चीज का अपने पहले क्लियर करो भाई, मेरे को साफ चाहिए, मेरे को डेड वेट चाहिए, मैं एक्स्ट्रा वेट लगा लूँ मैं लगा, या फिर कंपनी एक्स्ट्रा वेट जैसे रिकमेंडेड करे, अगर आपने ये ट्रैक्टर लेना इसके साथ ये वेट लेना जरूरी है। और ट्रैक्टर आयसर कंपनी के जी मैं हरेक ट्रैक्टर की गारंटी लेता हूँ, 333, 485, 56, 60 और आयसर 241, 42 हरेक ट्रैक्टर की गारंटी लेता हूँ, 368 की हरेक ट्रैक्टर की, हरेक ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल में है, क्योंकि मैं खुद कंपनी में जाके देख के आया हूँ, ऑल टोटली ट्रैक्टरों में भर रही है जी। चलो ये ध्यान रखो, हाँ और किसी ट्रैक्टर कंपनी को फोर्स नहीं करूंगा, मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा, मैंने आयसर में देखा था मैंने अपना, हाँ हो सकता और भी जैसे देखो बंदे के साथ जो बीतता है तभी वो अपने बारे में बता रहे हैं हम, अगर आज इनको जागरूक उस कंपनी की बात नहीं बताएंगे तो दूसरी कंपनियां कैसे सुधरेंगी जी, हर एक को सुधारना जरूरी है आज किसान में, कंपनी सुधारना सबसे बड़ी बात है, किसान के लिए दुर्भाग्य है ये जी, दुर्भाग्य की बात है, किसान का तो पैसे देकर बेचारा फिर नुकसान हो जाता है, किसी प्रधान देश है जी, इसी देश में अगर लोहे का बोल के और मिट्टी बेची जाएगी तो ये गलत है, क्यों हम जब किसान मंडी में कोई भी अपना सामान लेके जाता है तो उसको ऐसे ही खरीद लेते हैं मिट्टी के साथ, उसमें जारा भी लगता है, मॉन्स्टर भी कटता है, बिल्कुल सारी चीजें कटता है, तारीख भी देखा जाता है, और हम कंपनी ऐसे ही खरीद ले, ना ना ये चीज सही कह रहे हो, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद रविंद्र भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई और वो कंपनी वालों को यही सलाह है भाई, हमारा मेन मोटिव ये नहीं था भाई कंपनी को बदलाव, हमारा मोटिव ये था जमींदार भाइयों इसके बारे में समझो, वह कंपनी ने ये बदलाव कराया है, इस बदलाव में छोटी सी दिक्कत है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपना ट्रैक्टर लेने से पहले सारी सावधानियां यूज करो,
उन सावधानी के साथ ट्रैक्टर खरीदो, जिससे जंग भी कम लगेगा, आपका ट्रैक्टर बचा रहेगा लंबे टाइम तक। क्योंकि बहुत सारे जमींदार भाई से ट्रैक्टर हम देखें भाई जैसे 30-30 साल पुराने, 40-40 साल पुराने, 30 साल पुराने हरियाणा मिल जाए बहुत सारे ट्रैक्टर, और उत्तर प्रदेश में यूपी में जैसे जो हमारा नजदीक लगे वहां जाओ, वहां तो 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर लोग चला रहे हैं आज भी, और कंपनी फिटेड चल रहे हैं ऐसे कैसे। आई सर एक ब्रांड है अपना नाम उसका जी, बिल्कुल है। तो वह कोशिश करो इस चीज पर एग्जामिन कर इस चीज को ना हटाओ, जो डस्ट लग रहा है डेड वेट के साथ उस डस्ट ने हटाओ बिल्कुल, फिल्टर करके लगाओ जो डेड वेट है। धन्यवाद भाई रविंदर आपका जी, नमस्कार। अशोका ट्रैक के बाद जो कुछ काम ना होते इसने इसकी सिस्टम बिठा रखा है लाने का, देखो ना ट्रैक्टर अशोका ट्रैक की 23 मॉडल है।